आज आप लोग ध्यान दीजिए, मैं अखिलेश कुमार सिंह गणित प्रवक्ता, आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर 11th का फर्स्ट चैप्टर है सेट्स समुच्चय। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है, यहाँ आप लोग थियोरी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहले आज इसके बारे इंट्रोडक्शन के बारे में पहला वीडियो इसका आज हम बना रहे हैं। इसमें आप लोग ध्यान दीजिए, थियोरी पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। तो इसमें समुच्चय आप लोग ध्यान दें, समुच्चय का इंट्रोडक्शन पहले आप दीजिए। कहाँ से क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी और इसको कैसे बनाए, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। तो समुच्चय में आप लोग ध्यान दीजिए कि समुच्चय सिद्धांत का सूत्रपात और विकास जर्मन गणितज्ञ ध्यान दीजिएगा, इसने किया था जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने 19वीं शताब्दी के अंत में किया था। किसने किया था? जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने 19वीं शताब्दी के अंत में किया था। इसकी सहायता से आधुनिक गणित, जो हमारा मॉडर्न मैथमेटिक्स है, उस पर क्या हुआ? अभूतपूर्व विकास हुआ। यानी ये समुच्चय संकल्पना का प्रयोग, कहाँ कहाँ इसका जो समुच्चय संकल्पना का प्रयोग, संबंध और फलन को परिभाषित करने के लिए, या प्रायिकता अनुक्रम, जो सीक्वेंस आप लोग पढ़ाया जा चुका है, अनुक्रम और ज्यामिति आदि में इसका बहुत सारा उपयोग किया गया है। ठीक है, और ये समुच्चय का मतलब क्या होता है? एक संग्रह होता है। लेकिन वह संग्रह क्या है? वस्तुओं का एक संग्रह होता है, लेकिन वह संग्रह क्या होना चाहिए? सुपरिभाषित होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? सुनिश्चित होना चाहिए, सुस्पष्ट होना चाहिए। अर्थात कोई भी संग्रह वो समुच्चय कब कहलाएगा? जब उसकी वस्तु में क्या है? सुनिश्चित हो, सुस्पष्ट हो। ठीक है, जैसे अब इसकी अगर परिभाषा पर हम जा रहे हैं, डिफिनेशन पर, समुच्चय क्या होता है? वस्तुओं का सुपरिभाषित, वेल डिफाइंड संग्रह। वस्तुओं का सुपरिभाषित अर्थात वेल डिफाइंड संग्रह क्या कहलाता है? समुच्चय, अथवा इसी को कूलक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूलक बोलते हैं, कूलक कहलाता है। तो आप लोग इंग्लिश में इसका ध्यान दीजिए, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। और समुच्चय में ध्यान दीजिए, समुच्चय जो सभी संग्रह समुच्चय नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होना चाहिए? जो सुपर वेल डिफाइंड का मतलब क्या होना चाहिए? वो सुनिश्चित होना चाहिए, सुस्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिए, सुपरिभाषित का हमारा आशय तात्पर्य क्या है? सुनिश्चित से है, अर्थात डिफिनिट होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। संग्रह क्या है? समुच्चय कब होगा? जब वह वस्तु उसमें सम्मिलित हो। दूसरा क्या है? सुस्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, अर्थात डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो इसमें सभी संग्रह, कोई जरूरी नहीं सभी संग्रह क्या है वो समुच्चय है। तो समुच्चय के लिए हमें, आप ध्यान दीजिएगा, क्या करना होगा? वो पहले जो भी वस्तुओं का संग्रह है, अब उसको ये ध्यान दीजिए, वो सुपरिभाषित है, वेल डिफाइंड के लिए वस्तुओं में संग्रह में जो वस्तु सम्मिलित है, क्या वो सुनिश्चित है, वो उस संग्रह में है, या वह सुस्पष्ट होना चाहिए। इसके तमाम एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे ये कहा जाए क्लास इलेवेंथ के सबसे लंबे छात्रों का संग्रह। अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्या यह दिया गया संग्रह, यह संग्रह क्या समुच्चय होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह सुपरिभाषित नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। अब इलेवेंथ में किस बच्चे को हम सबसे लंबा मान लें, ये इसका कोई स्टैंडर्ड, कोई मानक नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, यह आपका यह दिया गया यह संग्रह क्या है? एक समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, अगर ये कहा जाए कि कक्षा 11 के 5'6" के छात्रों का संग्रह, तो यहाँ पर क्या है? उसकी लंबाई निश्चित है। अगर लंबाई निश्चित है तो वह क्या, उसका हम आंकड़ा निकाल सकते हैं, कितने बच्चे हो सकते हैं। तो वह क्या हो गया? सुनिश्चित हो जाएगा। और सुनिश्चित के साथ साथ वो क्या है?
सुस्पष्ट भी है। तो जब तक कोई मानक नहीं होगा तब तक हम क्या कर सकते हैं, दिया गया संग्रह हुआ क्या होगा, समुच्चय नहीं होगा। समुच्चय के लिए आपको सबसे पहले क्या करना, उस संग्रह को, संग्रह में जो भी वस्तु में शामिल है, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसी को हमें क्या करना है, डिफाइन करना है। वो निश्चित होना चाहिए, सुस्पष्ट होना चाहिए। तो अर्थात अगर ये कहा जाए कक्षा 11 के लंबे छात्रों का संग्रह, लंबे छात्रों का संग्रह, तो यह क्या होगा, यह समुच्चय नहीं होगा। और नहीं होगा इसका रीजन क्या है, स्पष्ट, क्योंकि यह क्या है, सुपरिभाषित नहीं है, सुनिश्चित नहीं है कि लंबा कितना होना चाहिए, भाई किसको हम बहुत कितना लंबा मान लें, किसको छोटा मान लें। तो यहाँ क्या होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड मानक होना चाहिए। अगर लंबाई निश्चित हो, नहीं इतनी लंबाई के ही छात्रों का संग्रह, तो वह क्या होगा, वह निश्चित हो गया। और निश्चित होगा तो वह क्या होगा, वह सेट होगा, समुच्चय कहलाता है। ठीक है, तो ये इसमें ध्यान दीजिएगा, सबसे जरूरी बात ये क्या है, ये वेल डिफाइंड संग्रह क्या होना चाहिए। अगर संग्रह दिया गया संग्रह समुच्चय है तो आपका ये सुपरिभाषित होना चाहिए। सुपरिभाषित सात वस्तुएं क्या होनी चाहिए, सुनिश्चित होनी चाहिए, सुस्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, ये इसकी डिफिनेशन है। और ये भी आपको बताया गया इंट्रोडक्शन में, यह क्या है, यह इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जो हमारी जो मॉडर्न मैथमेटिक्स है उसमें बहुत सारी चीजें, जैसे समुच्चय संकल्पना का प्रयोग संबंध रिलेशन, संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन 11th में भी 12th में आप लोग पढ़ेंगे, उसका उपयोग का सेट में किया जाता है, सेट का उपयोग उसमें किया जाता है। और इसके बाद आपका फलन परिभाषित करने के लिए, फिर आपका प्रायिकता, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी 11th में भी है, आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे, तो इसका इसमें भी आपका प्रायिकता में भी सेट का उपयोग किया जाता है। तो और आप लोग अनुक्रम सीक्वेंस में जान, सीक्वेंस भी आपका क्या, उसमें भी सेट की हमें आवश्यकता पड़ती है। और अगला है ज्यामिति में, ज्यामिति में भी सेट की हमें आवश्यकता पड़ती है। फिर आप लोग ध्यान दिए है, आज के अध्ययन में किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें सबसे वही जरूरी बात क्या है, सुपरिभाषित होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, तभी दिया गया संग्रह क्या होगा, वो आपका एक समुच्चय होगा। अब इसके तमाम एग्जाम्पल आप लोग, जैसे एक एग्जाम्पल हम बताए हैं, दूसरा एग्जाम्पल अगर क्लास का ही अगर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, तो अगर ये क्लास 11th में सबके सबसे अच्छे छात्रों का संग्रह, सबसे अच्छे छात्रों का संग्रह, तो वो क्या होगा, किसको हम सबसे अच्छा मानेंगे, क्योंकि उसका कोई मानक नहीं दिया गया, इसलिए वह क्या हो गया, दिया गया संग्रह हमारा वो समुच्चय नहीं होगा। अगर ये कहा जाए कक्षा 11th में 90 हाई स्कूल में 90% पाने वाले छात्रों का संग्रह, अगर ऐसा कुछ कहा जाए, कोई एक निश्चित मानक लिया जाए, तो यह क्या होगा, वह उसमें होगा, संग्रह में होगा। और ऐसे संग्रह क्या कहलाएंगे, ये आपका समुच्चय होगा। और जैसे और एग्जाम्पल आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे एग्जाम्पल हम ले लें, मान लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। अब यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह ध्यान दीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह, वर्णमाला के स्वर कितने स्वर होते हैं, केश्वर स्वरों अर्थात क्या होगा, पांच स्वर होते हैं, ए होगा ए ई आई ओ यू, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का ए ई आई ओ यू का संग्रह, संग्रह क्या है, एक समुच्चय है। क्यों, संग्रह एक समुच्चय है, एक समुच्चय है। क्यों है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, निश्चित है, ये ए ई आई ओ यू, ये पांच ही स्वर होंगे। ठीक है, अगर दूसरा एग्जांपल हम ले लें कि भारत के राष्ट्रपतियों का संग्रह, भारत के राष्ट्रपतियों का संग्रह, तो भारत के राष्ट्रपति निश्चित हैं,
कब कब कौन कौन कितने राष्ट्रपति हुए हैं उसकी गणना की जा सकती है या उसको आप निश्चित किया जा सकता है। तो वो भी क्या होगा आपका एक जो संग्रह होगा वो भी एक समुच्चय होगा। भारत के राष्ट्रपति का संग्रह पतियों का संग्रह संग्रह क्या है एक समुच्चय है। तो ये क्या होगा ये राष्ट्रपतियों का संग्रह भी एक समुच्चय होगा। अगर इसमें जान ये तीसरा एग्जांपल ले लें कि भारत के प्रधानमंत्रियों का समुच्चय वो भी क्या होगा वो भी एक आपका क्या होगा उसका संग्रह जो है एक समुच्चय होगा। भारत के प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्रियों का संग्रह भारत के क्योंकि ये भी निश्चित है आपका प्रधानमंत्रियों का समुच्चय अर्थात कितने प्रधानमंत्री हुए हैं ये आप इसकी गणना की जा सकते अर्थात ये निश्चित है। ये सभी एग्जांपल क्या है ये आपका जो भी संग्रह दिया गया ये एक समुच्चय होगा ठीक है। अब आगे आप लोग ध्यान दीजिए इसका अवयव क्या होता है समुच्चय के अवयव एलिमेंट ऑफ सेट्स ये कैसे किससे डिनोट किए जाते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट एलिमेंट्स ऑफ सेट ध्यान दीजिए समुच्चय क्या होता है समुच्चय में जो भी ऑब्जेक्ट जो भी वस्तुएं होती हैं वह क्या होता है इसका अवयव कहलाता है। अवयव को हम क्या करते हैं समुच्चय के अवयव को हम अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर ए ई आई ओ यू से या ए बी सी डी ई एफ जी ए जी एस से डिनोट करते हैं इसको किससे डिनोट करते हैं ए बी सी डी ई एफ घटक बहुत सारे जो भी होंगे इसके एलिमेंट को किससे डिनोट करते हैं समुच्चय के अवयव को जो निश्चित है उसका अवयव सदस्य जो होगा वही क्या होगा और इसको हम ज्यादातर किससे अंग्रेजी के छोटे अक्षर ए बी सी डी ई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब नोटेशन नोटेशन ऑफसेट इसका नोटेशन क्या होता है सिंबल क्या होता है नोटेशन ऑफसेट इसका सिंबल क्या होता है सेट का सिंबल क्या होता है ये भी अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े लेटर कैपिटल लेटर ए बी सी डी एक्स वाई जेड द्वारा डिनोट किया जाता है किसे डिनोट किया जाता है ए बी सी डी एक्स वाई जेड एक्स कामा वाई कामा जेड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बाद में इसमें बताएंगे आपका क्या है इसको निरूपण करने के लिए क्या होती है दो विधियां होती एक आपका तालिका विधि होता है एक गुण विधि जिसको समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। फिलहाल आपका एलिमेंट जो समुच्चय का अवयव होता है वह क्या अंग्रेजी वर्णमाला के
स्मॉल लेटर ए बी सी डी ई एफ एक्स वाई जेड द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इसके नोटेशन इसके सिंबल को इससे कैपिटल अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर ए बी सी डी एक्स वाई जेड द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ देखिए कोई समुच्चय एलिमेंट ध्यान दीजिएगा, कोई समुच्चय का अवयव है या नहीं है उसका सिंबल। जैसे हम सपोज कर लीजिए आपको एक सेट हम ऐसा ले लें, अब ये सेट क्या होता है ये जो सूची विधि से हम डिनोट कर रहे हैं बाद में इसको एक्सप्लेन करेंगे। ए स्क्वायर टू सपोज कर लीजिए 1 2 3 4 5 ये है। अब इसमें आप लोग ध्यान दीजिए ये ए क्या है इसका सिंबल हो गया, जैसे इसे डिनोट किया नोटेशन हो गया 1 2 3 4 5 क्या हो गया ये इसके एलिमेंट हो गए ठीक है। अगर 1 2 3 1 2 3 4 5 है तो अब इसमें कौन सी वस्तु या कौन सा अंक समुच्चय ए में है कौन सा नहीं है। अगर आप ध्यान दीजिए क्या 1 ए में है तो इसको हम कैसे लिखते हैं ये ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर सिर्फ 1 बिलोंग टू क्या करेंगे 1 बिलोंग टू ए, इसको क्या बोलते हैं 1 बिलोंग टू ए। ए क्या है सेट ए का एलिमेंट है, इसका एलिमेंट सेट ए का एलिमेंट। अगर ये कहा जाए 6 बिलोंग टू ए, क्या 6 समुच्चय ए का एलिमेंट है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका एलिमेंट केवल क्या है 1 2 3 4 5 ही है, इसको क्या लिखेंगे 6 डज नॉट बिलोंग टू ए। अगर इसमें ये कहा जाए क्या 5 ए सेट ए का एलिमेंट है, तो 5 क्या है सेट ए का एलिमेंट है, तो इसको क्या कहेंगे 5 बिलोंग टू ए। अगर एक और ले लें 7 क्या इसका एलिमेंट है सेट ए का एलिमेंट है, 7 सेट ए में है नहीं इसलिए क्या होगा 7 डज नॉट बिलोंग टू ए ठीक है। अब ये आपका ध्यान के आज थोड़ा सा इसमें बताया गया है ठीक है, और छोटा छोटा वीडियो आपको ऐसे ही हम समझा के आपको पूरी थियरी पूरा न्यूमेरिकल इसको हम कंप्लीट करेंगे ठीक है। तो ये इसमें आज आपको क्या क्या बताया गया, एक तो समुच्चय की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, वह कैसे कोई संग्रह समुच्चय कहलाता है, वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, वेल डिफाइंड के साथ साथ वो क्या होना सुनिश्चित होना चाहिए सुस्पष्ट होना चाहिए, वह दिया गया दी गई वस्तु क्या है सुनिश्चित हो सुस्पष्ट हो तभी वह संग्रह क्या होगा समुच्चय कहलाता है। और इसके बाद आपको क्या होता है एलिमेंट ऑफ सेट्स, इसके अवयव समुच्चय के अवयव को हम कैसे नोट करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों ए बी सी डी ई एफ एक्स वाई जेड, और इसका नोटेशन इसका सिंबल क्या होता है समुच्चय का ये कैपिटल लेटर ए बी सी डी एक्स वाई जेड द्वारा निरूपित किया, जैसा कि इसमें एक एग्जांपल आपको बताया गया मान लीजिए सेट ए और बाद में इसकी पर बताया गया कि ये दो विधि से दो प्रकार से ये प्रदर्शित रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे ए इक्वल टू मध्य ब्रैकेट में आपको दिखाया 1, 2, 3, 4, 5 तो ये क्या है अगर इसको देखा जाए ये लिस्टिंग मेथड इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं लिस्टिंग मेथड। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम बताएंगे चर्चा करेंगे, लेकिन इसको इसलिए बता रहे हैं कि अब एलिमेंट को हम कैसे दर्शाते हैं कि यह इसका अवयव है, एलिमेंट मतलब अवयव, अवयव मतलब सदस्य, मतलब समुच्चय का सदस्य है कि नहीं। जैसे 1 आपको बताएगा 1 बिलोंग टू ए, 6 क्या ए का एलिमेंट है नहीं है 6 डज नॉट बिलोंग टू ए, 5 बिलोंग टू ए ऑलरेडी 5 क्या है सेट ए का एलिमेंट है, 7 डज नॉट बिलोंग टू ए, 7 क्या ए का एलिमेंट नहीं है ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बताएं इसके प्रकार कैसे कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ये बताएंगे ठीक है।